चलिए इम्पीटस गुरुकुल की एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ जो कि कोलकाता से बिलोंग करती है, अन्वेषा दास, जिनका कि ऑल इंडिया 102 रैंक है। तो इनको अभी एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है, जो कि मेरे मुझे लगता है कि शायद अभी अपग्रेड करेंगी तो एनआईटी सूरतकल मिल जाएगा, ओपन रैंक से है। तो सबसे पहले बेटा आपको इस रैंक की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सर ये सब आपके वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मतलब मैं सेल्फ प्रिपरेशन करके शायद ये सब नहीं कर पाती। आपके जो कोर्स था और लास्ट के जो वो एक महीने का जो कोर्स था वो बहुत मोटिवेटिंग था, और उससे ही मुझे मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प हुई। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं इस बच्ची के बारे में बताना चाहूंगा कि इसने बीएससी फिजिक्स से की थी, फिजिक्स ऑनर्स से, साथ में मैथ सब्जेक्ट था, और पहले इसका प्लान था कि ये फिजिक्स में आगे करियर बनाए, पर बाद में इसने ये चेंज किया। तो आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है, क्योंकि एकदम से आपने सब्जेक्ट को स्विच किया, फिर एकदम से आप कंप्यूटर फील्ड में आई, तो ये सब कैसे आपने सोचा और क्या किया, ये मैं चाहूंगा कि आप बताएं। कई बच्चे जब फिजिक्स ऑनर्स वगैरह वाले होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो उनको एक प्रॉपर मैसेज मिलेगा। एक्चुअली 12th में मेरा कंप्यूटर था, तो तब मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह करना बहुत अच्छा लगता था, कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, और फिजिक्स और मैथ्स भी अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री वीक थी। और फिर जॉइंट जब दिया तो अच्छा रैंक नहीं आया था, क्योंकि मतलब जॉइंट के लिए वो प्रिपरेशन भी नहीं था, मतलब कहीं से कोचिंग भी नहीं की थी, और वो केमिस्ट्री भी बहुत वीक थी। तो फिर मुझे लगा कि फिजिक्स ऑनर्स ले लूँ, तभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिजिक्स ऑनर्स पढ़ने लगी। तो जब पढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मास्टर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है, और उसके बाद जॉब मिलने का चांस है। उससे पहले जॉब मिलना बहुत गवर्नमेंट जॉब्स होता है, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब कंपटीशन बहुत हार्ड होता है और बहुत मुश्किल होता है। फिर मुझे एमसीए के बारे में पता चला, तो मैंने आपकी वीडियोस भी देखने लगी, और उससे मुझे लगा कि मैं एमसीए का एग्जाम दूं, लेकिन तब बहुत लेट हो गया था, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, ग्रेजुएशन का भी एग्जाम था। तो फिजिक्स में बहुत ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का जो पढ़ाई होता है बहुत मतलब टफ होता है, और उसके लिए मुझे उसमें भी कंसंट्रेट करना था, क्योंकि 60% अगर नहीं आती तो फिर मेरा नहीं हो पाता ही नहीं। तो तब मैंने वो पहले इम्पोर्टेंस दिया, फिर जब मैंने एमसीए के लिए प्रिपेयर किया तो अच्छे से नहीं हो पाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ईयर ड्रॉप देते हैं, और फिर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू की। तो 2-3 महीने प्रिपरेशन की, लेकिन लगा कि कोई मतलब गाइड होता, मतलब गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलती प्रॉपर रेगुलर, तो फिर अच्छा होता। तो तभी मैंने आपका पेन ड्राइव कोर्स लिया, और उससे मैंने मतलब नोट्स बनाई, और मैं सिर्फ वो नोट्स से ही पढ़ाई की। मतलब मैं एक्चुअली है ना आर डी शर्मा वो करा हुआ था 12th में, और क्योंकि मुझे मैथ्स था, जो फिजिक्स ऑनर्स था उसमें मैथ्स था, तो उसके लिए मुझे आरडी शर्मा करना पड़ता था, तो वो तो था ही, वो मेरा कड़ा हुआ था। तो मैंने आपकी नोट्स से पढ़ाई की, रोज आपका वीडियो से उसे नोट्स बनाई, उससे पढ़ाई की, और फिर उसी नोट्स को पढ़ के मैं आपका जो टेस्ट देता था वो सब करके प्रैक्टिस की। वेरी गुड। तो देखिए इसने एक चीज बताई कि फाइनल ईयर में बाद में सोचा एमसीए करने के लिए टाइम कम था, और डेफिनेटली बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों को काफी पढ़ाई करनी होती, तो ऐसे में इसने डिसीजन लिया कि पहले परसेंट बनाए। मैं भी कई बार यही बोलता हूँ, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि एक सेवा आपके अगर ग्रेजुएशन पे इफेक्ट आ रहा है और आपको लगता है कि आप 60-65% ना बना पा रहे हो, तो आप एमसीए के लिए ड्रॉप ले सकते हैं, पर ग्रेजुएशन दोबारा नहीं की जा सकती। तो ये डिसीजन भी बच्चे को लेने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बोली। कई लोग इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते, तो आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि एक बार ये 65 हो जाए तो ड्रॉप लेके भी तैयारी की जा सकती, पर अगर बाई चांस नहीं होते तो आगे कई तरह की प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली कि एमसीए में प्रॉब्लम, प्लेसमेंट वगैरह इन सब में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, तो जो लोग ये सेशन सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि हमें राइट डिसीजन लेना भी आना चाहिए, कब क्या करना है। और देखिए एक फिजिक्स ऑनर से स्टार्ट किया, जर्नी कहीं और थी, पर बीच में समझ में आया कि नहीं इसमें मैं आगे ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, तुरंत लाइन चेंज की, प्रिपरेशन की एक साल, और बहुत फोकस होकर पढ़ाई की, और उसका सामने आपके रिजल्ट है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आया। जब आप ड्रॉप ले रहे थे तो आपके मन में कोई ड्रॉप लेने को लेके कोई डाउट था या कोई कंफ्यूजन नहीं था? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेने से डरते हैं। तो ये मैसेज मैं हमेशा इसलिए ड्रॉप वाले बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि जो अगला जनरेशन है वो इस सब चीजों को सुने और समझे। एक्चुअली मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था, उन लोगों को जब मैंने बताया कि मुझे ड्रॉप लेना है तो उन लोगों ने कहा कि तुम श्योर हो कि तुम कर पाओगी,
तो फिर मैंने आपका वीडियो जो था वो ड्रॉप लेने के बारे में, जो आप कहते थे कि एक ड्रॉप दो ड्रॉप वो मैटर नहीं करता, तो वो मैंने उन्हें दिखाया कि ऐसा होता है सर, ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने भी कन्विंस हो गए। तो फिर मेरे लिए एक था कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो, घर में क्यों बैठी हो, तो उनको मैंने बताया था कि एक्चुअली मैंने स्ट्रीम चेंज किया, इसीलिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, और उस चीजों को मैंने अपने फोकस करने में, मतलब मुझे डिमोटिवेट करने नहीं दिया। तो बस ऐसे ही, मतलब मुझे श्योर था कि एक्चुअली मैंने जब पहली बार दिया था तो मुझे लगा कि ये आते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है अच्छी तरीके से। तो तभी मैंने मन बना लिया था कि नहीं, देना है, हो जाएगा इस बार। जॉइंट जैसा टफ नहीं है, मतलब जॉइंट है, मैथ्स वो है, लेकिन उसमें जो केमिस्ट्री वगैरह था वो तो नहीं है, तो मुझे लगा कि अब हो जाएगा इसमें, तो इसीलिए मैंने एकदम मन बना लिया। अच्छा, आप ऑनलाइन पूरी आपने पढ़ाई की है, पहले पेन ड्राइव से फिर बाद में ऑनलाइन भी जुड़ गए, तो कई जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं अभी, बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, उनको आपका क्या शेड्यूल रहता था? कई बच्चों को एक डाउट रहता है कि ऑनलाइन वाले बच्चों का, सर एक बार आप, अभी मैंने जो सेशन डाले उसमें कुछ बच्चों के मैसेज आए कि उनके प्रिपरेशन का तरीका क्या रहता था, वो घर पर रह के कैसे पढ़ाई करते थे, क्या उनका रूटीन होता था, तो मैं चाहूंगा कि आपका रूटीन क्या था जो आप फॉलो करते थे। जब पेन ड्राइव वाला था, जब मैं पेन ड्राइव से पढ़ती थी, तो संडे को टेस्ट आता था, और पेन ड्राइव से मैं, जो सर आप मंथली प्रिपरेशन प्लान देते थे वो यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब से देखकर मैं एक जगह पे रूटीन बना लेती थी कि ऐसे प्रिपेयर करना है, इन टॉपिक्स को इस वीक में करना है। फिर पेन ड्राइव से उसी वीडियो को, उस टॉपिक को लेकर मैं उसी वीक में कर लेती थी, मतलब कर लेती थी, मतलब वो जो नोट्स बनाना होता था वो करती थी, नोट्स पढ़ लेती थी, और जो एक आरडी हंस का बुक था वो सॉल्व करती थी। और फिर संडे को टेस्ट देती थी, वो TWPT आप भेजते थे वो देती थी, और ऐसे ही लाइव क्लास से जुड़ने से पहले मेरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो गया था। ठीक है, फिर जब लाइव क्लास से जुड़ी तो जिस पार्ट में मुझे वो दिक्कत थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, या फिर थोड़ा सा वीक थी मैं, तो उनको फिर से मैंने देखा और उनको समझा, और आपका जो क्लास का शेड्यूल होता था उसको मैं फॉलो करती थी कि ऐसे 8 बजे क्लास है, तो फिर मैं 8 बजे क्लास करने के बाद फिर प्रैक्टिस करती थी या फिर टेस्ट देती थी। तो उससे, और इस बार कोविड के वजह से बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था, तो बहुत अच्छे से रिविजन हो पाया, और उस वक्त हमारा क्लास भी बंद नहीं हुए थे, तो वो बहुत हेल्प हुआ कि उस वक्त घर में थे कोई, मतलब अभी मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था क्योंकि हम घर में ही थे और हमें कहीं से आना जाना नहीं पड़ता था, और कोई रिलेटिव्स भी घर में नहीं आती थी, कोई फंक्शंस वगैरह कुछ नहीं होता था, कहीं नहीं जाना था, तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर पाई क्योंकि घर में और कोई काम भी नहीं होता था, तो बस वो रूटीन फॉलो करते थे, क्लास करते थे, पढ़ाई करते थे, बस वही करके हो गया। बिल्कुल सही बात है। वैसे कोविड के कुछ फायदे नुकसान हर चीज के होते हैं, जैसे आपने एक बात बोली कि घर में कोई आ ही जा नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं है, कई बार ये चीज हमें मोटिवेट भी करती, कई बार यही चीज हमें कि अरे हम घर में कैद हो गए, तो सारा कुछ इस बात पे नजरिया होता है कि हम क्या एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं। जैसे मुझे आपसे बात करके एक चीज समझ में आई कि आपका एटीट्यूड टूवर्ड पॉजिटिव है, कोविड हो गया कोई बात नहीं, अच्छा घर में कोई आ जा नहीं रहा है, अकेले हैं, अच्छा ये भी किस्मत की बात है, टचवुड की हमारी क्लास एक भी दिन बंद नहीं हुई, क्योंकि हमने कोविड तो बाद में आया, हमारा ऑनलाइन पहले स्टार्ट हो चुका था, तो इतने टफ टाइम में भी कभी बंद नहीं हुआ। पर देखो आपका जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उस चीज का एक पॉजिटिव पहलू देखा कि नहीं अब मुझे जाना भी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा, तो आपने उसको फुल यूटिलाइज किया, और देखो उसके वजह से ही आज आपकी इतनी अच्छी रैंक है। पेन ड्राइव से पूरा सिलेबस निपटा के लाइव में पढ़ने से कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बनी, तो ये काफी अच्छा पैटर्न था आपका। तो पिछले कुछ सेशन में हुआ ये कि मैंने ये सब बातें नहीं की, तो कई बच्चों के मैसेज आए कि क्वेश्चन सब पूछे, तो मैं हमेशा वो क्वेश्चन चाहता हूँ बच्चे बताएं मुझे जो बच्चे पूछना चाहते हैं, तो काफी अच्छी बात लगी मुझे। अब आपको आगे भी आप ऐसे ही जीवन में बहुत तरक्की करो, खुश रहो और खूब आगे बढ़ो। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं या ड्रॉप लेते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेने से डरते हैं उनके लिए? ड्रॉप लेने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सर भी कहते थे कि ड्रॉप लेने से कोई नुकसान नहीं है, और वही मुझे मोटिवेट भी किया, क्योंकि कोई होना चाहिए जो बोलते हैं कि ड्रॉप नहीं, ड्रॉप से कोई बुरा चीज नहीं है, क्योंकि हर लोग कहते हैं अरे यार ये तो ड्रॉप लेकर पढ़ाई कर रहे, ये फेल हो गया, ऐसा बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो फेल हो गया, तो
उस चीज को डिमोटिवेट करने नहीं देना है हमें, हमें बस ये मन बना लेना है कि हमें इस बार करना ही है, तो उस चीज को हमको स्ट्रेंथ बनाना है कि ये लोग कह रहे हैं, इनको प्रूव करना है कि नहीं हम कर सकते हैं। जो बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसा मजा देखते थे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाए, हम लोग बहुत कुछ कर लिए, तो उन सबको एक प्रूव करना था मुझे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, जो मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ अभी उसका एक रिजल्ट मिलेगा। तो जब वो पेशेंस आपके अंदर रखना चाहिए, वो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पेशेंस अगर आप रख पाए और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर पाए तो आपका हो जाएगा फॉर श्योर। कितनी अच्छी बात बोली। क्या होता है कि जब हम कभी ड्रॉप या कुछ अलग डिसीजन लेते हैं तो कई बार हमारे साथ वाले लोग स्पेशली फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी रिलेशन में वो बोलते हैं अरे ये आप क्यों कर रहे हो, ये ड्रॉप लेके साल खराब हो जाएगा, ये वो। मेरा हमेशा मानना है ये इन्वेस्टमेंट है, और उस समय जो लोग हमें डिमोटिवेट कर रहे थे बाद में हमारी रैंक पे वही हमें सक्सेस की वो भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, तो ये एक चेंज आता है। तो वो एक समय जब आप लेते हो डिसीजन और जब तक रिजल्ट नहीं आता ये बड़ा लंबा समय होता है, पर इस समय अगर किसी ने पेशेंस रख लिया तो डेफिनेटली उसको लाइफ में बहुत कुछ अचीव होता है, और यही आपने अचीव किया। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपके वजह से मतलब ये सब कुछ हो पाया, क्योंकि मैं कर लेती अगर इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि जब लॉकडाउन के वजह से हम घर में बैठ गए तो कई लोग अकेले अकेले अगर पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कि अब प्रॉपर रूटीन नहीं होता। तो जैसे वो लाइव क्लासेस थी तो वो मेरे लिए मतलब एक प्रॉपर रूटीन था। और लास्ट के सभी सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट के जो सर टेस्ट सीरीज जो लेते थे, वो जो टेस्ट होता था वो बहुत हेल्प हुई मुझे, मतलब वो उन टेस्ट से मुझे कुछ क्वेश्चन तो याद हो गए थे, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं जब एग्जाम दे रही थी तो ऐसा लगा कि अरे ये तो हमने एग्जाम मतलब जब टेस्ट देते थे घर पे उसमें था। तो ऐसे ऐसे तो हम रट कर ही दो चार मार ले मतलब आंसर कर लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा, और उससे जो कॉन्फिडेंस मिली कि नहीं ऐसे मेरा तो 5-6 हो गया, फिर जो कॉन्फिडेंस आ जाते वो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता था तो वो भी बन गया। वेरी गुड, यही मैंने, ये बहुत अच्छी बात बोली। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मुझसे कई बच्चे बात करते हैं जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं या जो खुद से अपने कर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ आप अगर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उसमें एक अच्छा गाइडेंस जुड़ जाए तो वो आपकी रैंक को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो ये एक चीज, ये सोच होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम जब सेल्फ कर रहे होते हैं तो हमारा कहीं फोकस स्टार्ट एंडिंग ये सब फिक्स नहीं होता, पर जब हम कहीं जुड़ जाते हैं तो ये एक चीज हमेशा हमें मिलती है कि हमें कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, टेस्ट कैसे देना है, टेक्निक्स क्या, और उसका आपने भरपूर यूज किया, क्योंकि आपका जो पास्ट है या प्रोफाइल है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स मतलब एक मायने रखता है, तो आपको सब पता है कि करना क्या, पर उसकी एक प्रॉपर अप्रोच डेवलप होना और एक रूटीन को फॉलो करना, ये कहीं ना कहीं हम जब जुड़ जाते हैं तो फायदा मिलता है। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सर।